मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज के विषय की बात करें तो एक और जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। ये जो जन्म कुंडली है वो कंचन जी की है। कंचन जी, आपने जो बर्थ डिटेल दी है आपके संग की, आपके बेटे की, वो मिला दीजिए। नरेंद्र 26/7/1996 बर्थ टाइम है, बर्थ पैलेस जयपुर। आपने पूछा है कि इनकी जो मैरिड लाइफ है वो कैसी रहेगी और मैरिड कब होगी। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम इन, आपने जो डिटेल दी है इसके अनुसार इनका जो असेंडेंट है, जो लग्न है, लग्न कुंडली है, वो सिंह लग्न की है, जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। और लग्न की जो डिग्री है 27 डिग्री के हैं, तो ये थोड़े से कमजोर अवस्था में चले गए, वृद्ध अवस्था में चले गए। और सूर्य की हम बात करें कर्क राशि में है, जल तत्व की राशि में है, बुध के साथ युति बनाकर 12वें भाव में। तो सूर्य जो है वो अपने घर से 12वें स्थान पर है, तो एक तो इनको ये दोष लगेगा, दूसरे कर्क राशि में होते हैं तो उतना शुभ फल नहीं दे पाते, उतनी ताकत इनमें नहीं रहती। तो आगे बात करें, राहु द्वितीय भाव में कन्या राशि में स्थित है, चंद्रमा द्वादशेष होकर नीच राशि में बैठे हैं, वृश्चिक राशि में चतुर्थ भाव में बली होकर, चतुर्थ भाव में चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं। गुरु पंचम में धनु राशि में खुद की ही स्वग्रही होकर बैठे हैं पंचम भाव में, ये भी यहाँ बली हो जाते हैं, पंचम भाव में बली हो जाते हैं, धनु राशि है तो बली हो जाते हैं, तो हंस नामक राजयोग का ये निर्माण करते हैं। शनि और केतु अष्टम भाव में मीन राशि में गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, युति बनाकर। अष्टम भाव में केतु शुभ फल देता है, लेकिन अष्टम भाव में शनि अच्छे फल देते हैं, लेकिन केतु सही फल नहीं देता, तो यहाँ थोड़ी समस्या क्रिएट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं दसम भाव, वृषभ राशि है जिसके स्वामी शुक्र बैठे हुए हैं। इस कुंडली में देखा जाए तो एक चीज जो है, गुरु स्वग्रही है, शुक्र भी स्वग्रही है। मंगल एकादश भाव में मिथुन राशि में विराजमान है। अब बात करते हैं आगे, राशि इनकी वृश्चिक है जिसके स्वामी मंगल हैं, 6 डिग्री के हैं मंगल। अब देखिएगा आगे, बात करते हैं, राशि स्वामी मंगल है, लग्न स्वामी सूर्य है, जो कि राहु और शनि शुक्र तीनों से शत्रुवत व्यवहार रखते हैं। तो एक तो इनको आप बता दीजिएगा कि इनको इनके जीवन में जरूर संघर्ष होगा ही होगा, तो आपको ये बताना इनको जरूरी है। कोई भी मतलब इनको किस्मत से इतना कुछ नहीं मिलेगा, किस्मत इनको खुद बनानी पड़ेगी। सबसे पहली बात ये, क्योंकि राहु की महादशा और शनि की महादशा ये इनको पीड़ित करेगी ही करेगी, एक बार इनको बोटअप में जरूर लेके आएगी, तो वो चीज़ आप इसका एक ध्यान रखना है। नक्षत्र इनका शनि का है, जो अनुराधा नक्षत्र है, तो नक्षत्र बहुत अच्छा होता है शनि का अनुराधा नक्षत्र, तो ऐसे लोग काफ़ी विश्वास के काबिल होते हैं और मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अब इनकी जो महादशा चली हुई है वो बुध की है, 25/12/2022, और शनि की अंतरदशा चली हुई है 25/12/2022 तक, ठीक है। अब बुध जो होते हैं वो इनके यहाँ पे द्वितीय भाव स्वामी होते हैं, मार्केस होते हैं, बुध भी द्वितीय भाव का जो स्वामी हो जाता है वो मार्केस होता है, द्वितीय भाव हमारा मार्केस होता है। और एकादश भाव के हैं, बैठे कहाँ पर हैं, द्वादश भाव में विचार बैठे हैं, चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, और चंद्रमा जो है नीच राशि के हो गए, लग्नेश के साथ में बैठे हैं, लग्नेश में खुद में अभी दम नहीं है, बिल्कुल भी 0-9 डिग्री के हैं। तो क्या करना है, अगर आपको अपने होरोस्कोप यानी जन्म कुंडली का बच्चे को लाभ लेना है, तो एक तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठने की आदत डालनी पड़ेगी, पिता की आप सेवा करवाइए, और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ, गायत्री मंत्र की आप जाप करवाइए, कम से कम 3 माला या 5 माला बच्चे को आप आदत डालिएगा शुरू से ही कि वो पढ़े। इससे क्या होगा, आपका एक तो बच्चे का लग्न भाव सूर्य गुरु यानी पंचम भाव मजबूत होगा, सद्गुण बढ़ेंगे, वृद्धि होगी, और बच्चे में संघर्ष करने की बहुत ज़्यादा क्षमता आएगी। सबसे अच्छा पॉइंट जो है वो गुरु का पंचम भाव में होना, स्वग्रही होना, धनुराशि में अग्निकारक तत्वों की राशि में होना सबसे बड़ी बात है, पॉजिटिव पॉइंट हमारे पास ये रहेगा। तो
आप जरूर इससे गुरु की सेवा जरूर करिए, गुरुवार वाले दिन इससे सेवा करवाइए, और गुरु के मंत्र जो है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः मंत्र का 3 माला कम से कम आप पाठ करवाइए हल्दी की माला से जरूर, तो आगे आने वाले समय में ये काफी ऊंचाइयों को छुएंगे। तो जो निष्कर्ष निकल के आया है कि इनको जो चीज मिलेगी वो संघर्ष से ही मिलेगी, इनको आप बोलिएगा कि किस्मत पर भरोसा ना रखें, किस्मत खुद बनाए, बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक है, बात करते हैं। अब आपने पूछा मैरिड लाइफ और मैरिड कब होगी, मैरिड कब होगी, आइए बात करते हैं। महादशा किसकी चल रही है, बुध की। तो बुध सप्तम भाव के कारक होते हैं, शनि के मित्र होते हैं और शनि बैठते हैं अष्टम भाव में केतु के साथ में, तो ये थोड़ी सी देरी जरूर करेंगे लेकिन समय सही चल रहा है। अभी 2022 तक शनि की महादशा अंतरदशा चली हुई है, बुध की महादशा चली हुई है, तो जरूर आप इनसे बुध की सेवा करवाएंगे तो शादी का समय सही चल रहा है, आप लड़की देख सकते हैं। अब मैरिड लाइफ कैसी होगी, बात करते हैं। द्वितीय भाव पे आ जाइए, शनि केतु विराजमान है, शादी से सुख का भाव ये है, तो यहाँ पे ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मतलब जो स्पोज है जो वाइफ मिलेगी वो थोड़ी सी वाणी से कड़वी बोल सकती है, थोड़ी अनबन रह सकती है, ताकि इनमें वाद विवाद की स्थिति रहेगी। सिंगल लग्न को इतना जल्दी सुख नहीं मिलता, सूर्य क्योंकि ग्रहों के राजा हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है, इनको पहले से ही बताना है, और कोई भी फैसले करे तो सोच समझ कर करे। ठीक है, शनि केतु की वजह से, और एक बार जब शादी हो जाती है तो उसको मतलब वाइफ को सिर पर ना चढ़ाए, नॉर्मल ही व्यवहार रखे ताकि आगे जाके उनको दिक्कत ना आए। बात करते हैं, चंद्रमा वृश्चिक राशि में नीच के हैं लेकिन दिग्बली होकर बैठे हैं, तो इनको बोलिए कि मन को कंट्रोल में रखें, इनको फायदा मिलेगा। एक जो है सबसे पहले बात करें हम, इनको आप बोलिएगा कि सीधे हाथ में सोने का कड़ा पहन सकते हैं, अगर नहीं खरीद सकते तो गोल्ड प्लेट यानी कि आप गोल्डन की पॉलिश करवा लीजिएगा तो आप पहन सकते हैं, तो इनको लाभ मिलेगा जरूर। और कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर के लिए गुरु पंचम भाव में सग्रही होकर बैठे हैं, तो इनको ये फायदा मिल जाएगा, ये कंसल्टेंसी का काम कर सकते हैं या टीचिंग का काम कर सकते हैं, गुरु से संबंधित जो भी काम है ये आराम से कर सकते हैं। इनको लाइट कलर जो है वो जरूर पहनाइएगा जब तक बुध की महादशा है, डार्क कलर से इनको अवॉइड रखिएगा। सूर्य भगवान की सेवा, मैंने पहले वीडियो भी डाल रखा है कि लग्न को मजबूत कैसे करें, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। बुध की महादशा है तो बच्चे को अकेला ना छोड़े, इसमें ही बच्चे के बिगड़ने की लाइन उतरने की कोई वो रहती है संभावना, तो इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। अब देखिए बुध के अंदर बुध की सेवा तो करनी, महादशा नाथ ये है, तो अभी आपकी जो बच्चे की होरोस्कोप है वो बुध के ऊपर डिपेंड करेगी कुल मिलाकर। अब बुध जो है वो सूर्य के साथ में विराजमान है, तो बुध का आपको फायदा लेना है, बुध द्वास यानी कि द्वितीय भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है, तो आपको क्या करना है, एक तो गणेश जी के 12 नाम आते हैं, गणेश संकटनाशक गणेश स्तोत्रम, उसका आप इनसे पाठ करवाइएगा गणेश जी से, और बुधवार के दिन आप इनसे 2 मोदक का भोग लगवाइएगा और दुर्वा आप चढ़िएगा ताकि इनको फायदा मिल सके, इतना आप जरूर कीजिएगा, फिर देखिए आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। तुरंत लाभ लेने के लिए ये आपको उपाय करने ही पड़ेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, श्री राधे।